तो बारिश हो रही है भाई साहब, खतरनाक भाई, देख रहा हूँ भाई साहब, सुबह के 3:30 बजे में तो ऐसी बारिश हो रही है, नेक्स्ट लेवल वाली। बाकी ये रखा जब अपना झोला खत्म हो गया हमारे, मतलब भाई देखो एक अपन तो फायदे में ही रहे आज भी, क्योंकि भाई देखो बंद हो गया था, सामान ही खत्म हो गया, सामान खत्म हो गया, अपना काम खत्म, पानी में तेज सोच रहे हैं कि भाई साहब भीगते हुए घर जाएं, ऐसे ही जाएं, बाकी बाजू वाले बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ा देंगे, तो भाई साहब बढ़ाने का इरादा है कि नहीं है? नहीं, हमारे बाजू वाले वो हमसे बड़े वाले हैं, तो बढ़ाने का इरादा ही नहीं है। खोल मतलब क्या, शादी हो ईद वाले दिन भी खोल लगे ना ऐसे, जाओ घर पर बाजू को टाइम दो, हम लोग टाइम थोड़ा सा। राम जी की सेना ऋषभ पर्वत पर एकत्रित तो हुई और समस्त सेना कहाँ जा रही है? समुद्र किनारे। और महाराज जब विभीषण जी से मिलने गए तो कपड़े रूप धारण कर लिया, इच्छा धारी कोई भर, जब चाहे छोटे हो गए जब चाहे रूप धारण कर, लिख रहे हैं नग आयुध गिरी पादप कैसे कैसे माना रहे मिल गया। अच्छा ये आपको बताऊंगा कि आगे ब्रह्मांड हिला क्यों, चिक्कर ही चिक्कर दो लमाई गिरी डोल सागर घर भरे मन हर सतर कंदर नाथ किन्नर दुख भरे। और आप अगर खड़े हुए शायद आकर बैठेंगे तो और अच्छा लगे। हम सभी गाते हैं जब राम जी की सेना चल रही है तो कैसे चलती है, पापियों के नाश को हरे 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 हरे
तब राम का दर्शन होगा हमारा। वही बात आने का, मैं केवल तुम्हारा हूं। है एक पद हमारे गुरुदेव को बड़ा प्रिय है, दशा मुझ दीन की भगवन, सुधारोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। महाराज याद रखना, बड़ी विचित्र ऊंची स्थिति की बात है राधे, गुण ही बंधन का कारण होता है, गुण। अच्छा ये कौन सी विचित्र बात कह रही, गुण बंधन का कारण, बोले सब लोग चाहते हैं गुणवान बने, लेकिन महाराज उसको प्राप्त करना है तो गुणवान बनना बड़ा खतरनाक है। हाँ सच्ची बात है, जिसके अंदर गुण होगा ना लोग उसी से ज्यादा प्रेम करते हैं, अपुणी से कोई नहीं करता। हाँ और उसका बनना है ना तो दुनिया के लिए अवगुणी बन जाओ तो उसके लिए गुणवान बन जाओ। जिसको भगवान की प्राप्ति होती है ना उसको सबसे पहले एक उपाधि मिलती है, उस उपाधि का नाम है पागल। लोग तुमको पागल कहने लग जाए तो समझ लो हम राम के करीब आ गए महाराज, राम हमको मिलने वाले। बोलिए राजवेंद्र सरकार की। और जब तक दुनिया की नजर में पागल नहीं हो तब तक उसकी निकट नहीं पहुंची। हाँ गुरुदेव कहते हैं प्यारे पागल और भक्त में अधिक अंतर नहीं होता, कई लोग भक्तों को पागल समझ लेते हैं, इसलिए सबको प्रणाम है महाराज। क्या मालूम कौन कितना बड़ा भक्तों अंदर से तुम जानते नहीं जानते, इसलिए सबको प्रणाम करो, लेकिन प्रयास करना चाहिए। जहां जहां प्रीति है चाहे माँ में हो चाहे बाप में हो, सब बंधन का कारण है महाराज। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं जननी जनक बंधु सुत तारा तनु तनु भवन प्रहित परिवारा, ममता का नाम आया है। मुझे लगता है विजय सर इसलिए यहाँ ममता की बात करिए ना, इसलिए जननी का नाम पहले आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा ममता जननी में ही होती है। और उसकी से छूट गए फिर तो सबसे छूट जाओगे, इसलिए सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनाई मान कर बोली। समदर सी इच्छा का तुनाई हरस शोक भय नहीं मन मान, ऐसा जन्म संसारी के संकटि होए धनु देह नहीं आने होए, सबन पाशक करेंगे रामा ने की विजयिया मा, ते नर प्राण समान मम नामा, जिनके तुझ पद कीर्ति रामा, अखंड। बोले ये वही राज है
जो संपत्ति शिव राम नहीं, जो संपत्ति शिव जी ने रावण को तीन दिए दस मार, दस चीज काट कर देने पर दी, वही संपदा विभीषण को सकुच दीन रघुनाथ। केवल ये कहने से प्राप्त हो गई नाथ मैं आपका हूँ। अब गोस्वामी जी की वही चौपाई आ गई, कौन सी? अस प्रभु झाड़ी भजाई जी आना, ऐसे दयालु राम को छोड़कर अगर कोई किसी दूसरे को बचता है तो पशु बिन पूंज बिछाना, निज जन जाई साई अपना वा प्रभु स्वभाव कर कुल आइए पुरी सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहत गोदा भैया भोपाल को।